हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है मॉर्निंग का, सुबह का ही टाइम है, तो आज मुझे ब्लैंकेट धुलना है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और उसी में ठंडा पानी भी मिक्स कर लूँगी। तो इजी में डालना है मुझे, इजी में धुलूँगी। तो बस हाथ से धुलना है, मशीन में नहीं चलाऊंगी, हाथ से धुलूंगी। तो बस इसमें इजी डालूंगी और इसमें ही धुलना है, क्योंकि ये ब्लैंकेट मेरा है थोड़ा गंदा हो गया है। और अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, और अब मतलब थोड़ा आज से मौसम थोड़ा हो गया धुंध, और धूप बहुत हल्की हो गई है। तो अभी तो ये सूख जाएगा एक दो दिन में, और फिर आगे चल के तो बिल्कुल धूप निकलना बंद हो जाएगी, तो फिर नहीं सूख पाएगा। क्या है ना, ये ना हम लोग दिन में यूज़ करते हैं ब्लैंकेट का, तो दिन में उतनी ठंड नहीं लगती है, तो दिन में ब्लैंकेट ही यूज़ करते हैं बच्चे वगैरह, बेड पे जब बैठते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो दिन में ब्लैंकेट का ही यूज़ करते हैं। तो और ये कुछ पिलो कवर थे, तो वो भी ये गरम वाले ही पिलो कवर हैं, तो उनको भी मैंने इजी में ही डाल दिया है। तो इसको मैं इसी में थोड़ा थोड़ा भिगो भिगो के, और इसको पूरा मतलब इसी में साफ़ करूँगी हाथों से। ब्लैंकेट वगैरह जो होते हैं ना, वो एक आदमी के हाथ का काम नहीं है, क्योंकि ये ना गीले होने पर इसका 4-5 गुना एक्स्ट्रा वजन हो जाता है ना, तो ये एक आदमी के हाथ का काम नहीं है। लेकिन मैं इसको करूँगी जैसे भी मेरे से बन पाएगा, अब धुलूँगी इसे। ये मैंने मतलब उसमें पानी कम पड़ रहा था, तो मैंने ये दूसरे पानी में थोड़ा इजी और डाल लिया है, और ये मग से ब्लैंकेट के ऊपर डाल डाल कर और इसको धुलूँगी। आज घर के कपड़े थोड़े हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको ही धुल देती हूँ और बाद में घर के कपड़े धुलूँगी, क्योंकि इसे धुलने में भी काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगने वाली है। ये मैं इजी का जो पानी है इसी को मैं मतलब पूरा इसमें डाल डाल के भिगो दूंगी अच्छे से, और साफ़ हो गया था ये। ये अपना पैरों से थोड़ा दबा दबा के ना इसके अंदर जो भी मतलब गंदा पानी है वो निकाल रही हूँ मैं, निकल जाएगा। और फिर इसके बाद मैं इसमें अच्छा पानी डाल के और इसको फिर दबा दबा के ऐसे ही साफ़ करूँगी। ऐसे पैरों से इसको मैं मतलब दबा दबा कर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हाथों का तो है नहीं, क्योंकि हाथों से नहीं बनेगा, उतना ताकत लगाना भी नहीं बनेगा हाथों से।
इसके अंदर से जितना भी ईजी का पानी होगा ना सारा मैं ऐसे ही निकालूंगी इसको, और फिर बाद में मैं इसको उसमें तसले में डाल के भी साफ़ करूंगी। और इसको मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगी सुखाने के लिए, पहले तो इसको मैं 3-4 घंटे के लिए इसका पानी निकालने के लिए इसको ना लटका दूंगी, ऊंचा करके थोड़ा लटका दूंगी। ये मेरी इस साइड जो नल लगा हुआ है लोहे का पाइप है, इसमें थोड़ा बाहर निकली हुई है, तो इसी पे ही मैं लटकाऊंगी थोड़ा टाइम के लिए, तब भी इसका सारा पानी निकल जाएगा। फिर उसके बाद इसको धूप में डालूंगी, क्योंकि इतना हैवी तो लेके बाहर जाया नहीं जाएगा और किसी भी तार पे बनेगा भी नहीं, तार भी टूट के नीचे आ जाएगी। और ये वाले कपड़े हैं, इन्हें तो साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इनको तो मैं मशीन में ही सुखा लूँगी, तो इनका पानी तो जल्दी से निकल जाएगा और ये जल्दी सूख भी जाएंगे। और बस ब्लैंकेट को ही है, लगता है 2 दिन लगेंगे सुखाने में, क्योंकि अभी धूप थोड़ी हो गई है हल्की, और अभी तो थोड़ी हल्की हुई है, कुछ दिनों में तो ये भी नहीं निकलेगी, क्योंकि दिसंबर का महीना है जो वो स्टार्ट हो चुका है। तो ब्लैंकेट तो मेरा साफ़ हो चुका है और उसको मैंने पानी निकालने के लिए रख भी दिया है। और ये हैं कुछ घर के कपड़े, थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं हैं घर के कपड़े, तो बस उन्हीं कपड़ों को मैं धुल दूँगी इनके साथ ही, क्योंकि ये सारे कपड़े जो मशीन में मुझे पानी निकालना है ना, ड्रायर में डालने हैं ना, तो सारे एक साथ ही सुखा लूँगी। बस अब धूप थोड़ी हल्की हल्की होने लग गई है, कुछ दिनों में बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, तो बस कपड़े ही सुखाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, कपड़े कम सूखेंगे। और इन दिनों में कपड़े धुलना भी हाथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि ठंडा होता है मौसम, इस करके हाथ से धुलने में बहुत